लगता है शक्ति प्रदर्शन करने का समय आ ही गया। ओ काले, ओ काले, कैसे समझाऊं तुमको? विनाश संभव नहीं मेरा, स्वीकार करो मुझे, भगवान हूं तुम्हारा। कदापि नहीं मूर्ख, तेरा अस्तित्व तो महादेव के कारण है। तू तो एक धूर्त दंभी असुर मात्र है। तेरा पाप तुझे विनाश के गर्भ में अवश्य ढकेलेगा, तेरा अंत होकर रहेगा और मैं ही करूंगी तेरा अंत। पिताश्री के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति जलंधर का वध नहीं कर सकती। हाँ पिताश्री, यही सत्य है, एकमात्र आपके ही द्वारा जलंधर का अंत संभव है। काली देवी, एक और निरर्थक प्रयास करके देख लो। उचित है बलश्रेष्ठ, उचित पाठ सिखाइए इसे। समीप है। अंत मेरा नहीं, तेरा निश्चित है मूर्ख। तू आगे बढ़ा अवश्य है, किंतु विजय नहीं हो पाएगा। अब उचित दंड प्राप्त हुआ है इसे। कहा था ना मैंने, मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ। अनेकों असुरों का रक्त बहा चुकी हूँ मैं, कोई भी दुष्ट मेरे प्रहार से सुरक्षित कभी नहीं रहा, फिर इसका अंत क्यों नहीं हो रहा है? देखो,
व्यर्थ हो गए ना तुम्हारे समस्त प्रयास, पुनः कुशल हूं मैं। किंतु अब तुम्हें कुशल नहीं रहने दूंगा मैं। मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है ये, तो मेरा क्रोध ही से दंडित करेगा। अब मेरे और जलंधर के मध्य कोई नहीं आएगा। हाँ पिताश्री। जा रहा है जिसकी आशंका सता रही थी मुझे, महादेव का उनकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न जलंधर के साथ महायुद्ध। अरे अब तेरा अंत होगा। मेरा अंत करेगा दुस्साहसी। तेरा रक्त बह रहा है इस घाव से। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बच गया। किंतु तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? बस बहुत उत्पात मचा लिया, बहुत क्रीड़ा कर ली मेरे साथ, कभी ऊपर कभी नीचे। अब तुम्हारा अंत समीप है। कैसा विस्फोट था। बैल पर आरूढ़ कौन आ रहा है यहां? अवश्य शिवी है। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी काली। आप इसको इसका दंड दे चुकी हैं, अब मेरे हाथों इसका अंत शेष है, इसलिए आपको यहां से प्रस्थान करना ही उचित है। उचित है महादेव।
शिवाओ, बात प्रतीक्षा कराई तुमने। ये उचित है, ये सर्वथा उचित है। स्वयं शिव मेरे समक्ष अब सारी क्रीड़ाएं संपन्न हुई। यह है वास्तविक युद्ध जिसके पश्चात समस्त संसार, सभी देवता, गदर, यक्ष, किन्नर मेरे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के समक्ष नतमस्तक होंगे। आओ शिव, मुझे ही लड़काना था। करो करो मुझसे युद्ध। मैं कैलाश के निकट भी नहीं जाऊंगा और महादेव से कभी युद्ध नहीं करूंगा। जलंधर, दंभी मूर्ख, तुमने वचन दिया था मुझे महादेव के समक्ष कभी नहीं जाओगे और वही कर बैठे तुम। नहीं भरश्रेष्ठ, ये उचित नहीं है। शिव के समक्ष नहीं जाना था आपको। जलंधर, मैं तुम्हें अवसर पे अवसर देता चला गया किंतु तुम अपराध पर अपराध ही करते रहे। क्या थे तुम्हें इसका परिणाम? परिणाम इसका एक ही परिणाम है, हरी जय, हरी विजय, हरी जय, हरी विजय। कोई नहीं टिक सका मेरे समक्ष, ना तुम्हारा नारायण, ना तुम्हारी ओ काली। इसलिए विवश होकर तुम्हें मेरे समक्ष आना पड़ा मुझसे युद्ध करने। इसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ शिव। पूर्व में ही आते तो मैं नारायण और देवी काली को इतना अपमानित नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना तो ज्ञात हो गया कि मैं कौन हूं। नवीन भगवान जलंधर की असीम क्षमताओं का आभास तो हो गया है। अब दंड तो तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। तुम्हारे दुस्साहस का, मुझे प्रतीक्षा करवाने का, मुझे चुनौती देने का, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को परिणाम तो भुगतना ही होगा। किंतु यदि तुम मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओ, मुझसे क्षमा मांग लो, तो तुम्हारा दंड अवश्य कम हो जाएगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, दयालु भी हूं। अब जलंधर का दुस्साहस, उसकी इस उद्दंडता के बाद उसे दंडित होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत कीजिए शिव का बलश्रेष्ठ, तभी मेरी चिंता का भी अंत होगा। किस प्रतीक्षा में हो शिव? आओ मेरे शरणागत बन जाओ। कुबुद्धि का प्रभाव है अहंकार और अहंकार का परिणाम है विनाश। ये शीघ्र ज्ञात होगा जलंधर को। अंतिम अवसर देता हूं तुम्हें, मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी अपमानजनक पराजय से कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। जिसके पश्चात समस्त संसार से तुम्हारा नाम मिट जाएगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा। और भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की मान तस्थित होगी और सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम जलंधराय नमः। ओम
जलंधर नवा। मूर्ख जलंधर, भगवान को अपनी महानता प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पराजित होने वाला अपनी पराजय स्वीकार करने के स्थान पर उस पराजय को अपनी विजय मानने का दिखावा करता है। नारायण ने तुम्हें पराजित किया, देवी काली ने बार बार तुम्हें प्रताड़ित किया, किंतु अहंकार वश तुम अपने आप को विजय घोषित करते रहे। यह सत्य नहीं है, तुम्हारे अहंकार से उत्पन्न तुम्हारा भ्रम है। ये तुम अपनी महानता नहीं जलंधर, तुम मेरे हाथों मृत्यु पाकर एकमात्र यही प्रमाणित कर सकते हो कि जिसका जन्म होता है उसका अंत अवश्य होता है। अच्छा, तो जलंधर का अंत करोगे तुम? लो, संभालो मेरा आवाज। शाली तो है ये शिव, उचित थे गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी। इसका क्रोध प्रकाश बनकर समस्त आकाश में छा रहा है। प्रिय बलश्रेष्ठ, सावधान रहिएगा। जलंधर के अंत का समय आ गया है। हाँ गणेश, पिताश्री का परशु तो कोई नहीं रोक सकता, फिर जलंधर ये करने में कैसे सक्षम हुआ? कैसे संभव है ये? अभी देखते हैं शिव, अब इस युद्ध में कौन किसको पाठ सिखाता है, कौन किसका अंत निश्चित करता है। अभी क्या अभी? साधारण शिव, अब भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के वार का सामना करो।
लो शिव, मैंने तुम्हारा परशु तुम्हें लौटा दिया, अब वही तुम्हारा अंत करेगा। मूर्ख जलंधर अपने अहंकार में अपना विवेक खो बैठा है, अब इसका संहार आवश्यक है। बड़ी सरलता से परशु को नियंत्रित कर लिया इसने, हैं? दया करना मेरा कर्तव्य है, दुष्ट को दंड देना भी मेरा ही दायित्व है। अब ये क्या कर रहा है? और मैं तो एक ही परशु था, अब ये अनेक कैसे हो गए? ये असंख्य परशु आ रहे हैं मेरी ओर। इन्हें तो रोकने का कोई उपाय भी नहीं है मेरे पास, अब क्या करूं मैं? जलंधर जैसे असुर का यही उचित दंड है। अंत हुआ इस दुष्ट जलंधर का, संकट टल चुका है, सृष्टि अब सुरक्षित हुई। महादेव ने अपने एक ही प्रहार से जलंधर का अंत कर दिया। पिताश्री का क्रोध जागृत करने के बाद तो जलंधर का अंत निश्चित ही था। जो हुआ उचित ही हुआ, जलंधर पिताश्री के परशु प्रहार से आहत हुआ। दंभ सदा धूल धूसरित ही होता है, यही उसकी नियति है। स्वामी देखिए महादेव ने कैसे अंत कर दिया जलंधर का, और किसी अन्य का कोई अहित भी नहीं हुआ। युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा, पराजित करूंगा तुम्हें शिव, अपराजय हूं मैं। नहीं श्रेष्ठ, आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे। शिव से युद्ध नहीं करेंगे आप। आप कैलाश जाकर महादेव के समक्ष नहीं जा सकते, मुझे भय है कि आपको कैलाश पर नहीं जाना चाहिए था स्वामी। ये आपने क्या कर दिया बलश्रेष्ठ? आपने असुर गुरु को दिया हुआ वचन क्यों भंग कर दिया बलश्रेष्ठ? उस शिव ने क्या कर दिया मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ को? पाप कितना भी बढ़ जाए, पापी कितना भी शक्तिशाली हो जाए, उसका अंत अवश्य होता है। जलंधर का यह भयंकर अंत भी इसी का प्रमाण है। जलंधर का स्वर, आ, 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 आ.
मेरे बाल श्रेष्ठ, उनका स्वर सुना मैंने, वो जीवित है। ये कैसे संभव है? इताश्री ही जलंधर का वध कर सकते हैं, तो उनके प्रहार के बाद भी ये जीवित कैसे है? सुनो शिव, मैं क्या विचार कर रहा था ना, मुझे लगा मैंने सभी परशु हटा दिए, किंतु एक विशेष एक रह गया। चलो कोई बात नहीं, क्या तो मैं क्या कह रहा था, देवताओं को तो उनके दायित्व सौंप दिए मैंने, किंतु तुम्हें दायित्व सौंपना अविशेष है। तुम्हारे सभी नियमों को वैसे भी उलट ही रहा हूं मैं, इसलिए मेरे विचार से तुम्हें पाताल लोक जाना चाहिए। बात निवास कर लिया कैलाश में, पाताल जाओ, उसकी देख रेख करो। ये बोलता क्यों नहीं है, जब देखो मुस्कुराता रहता है। ये आदेश है तुम्हारे भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, सर्वश्रेष्ठ जलंधर का। बोलो जैसी आज्ञा प्रभु। अरे बोलो, उचित है प्रभु। जलंधर विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि। अरे मैं बहुत अवसर दे चुका हूं मैं मुझे भगवान स्वीकार करने के लिए, किंतु अब बहुत हुआ, अब तुम तो मेरे क्रोध का सामना करोगे। ईश्वर अनंत है, उनकी सत्ता और अस्तित्व को समझना सहज नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।